إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमत आलह के दौरे खिलाफत के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने आ चुकी और उस सिलसिले को आगे जारी रखते हुए आज उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहा आल के ताल्लुक से कुछ उनकी जाती जो सिफ़ात है और जिस तरह की सिफ़ात के वो हामिल थे जो उनकी खूबियाँ थी बाद उन ख़ूबियों का जिक्र आपके सामने पहले करेंगे इसके पहले तो बात आपके सामने उनके जो उनसे पहले के खलफा बनी मैया के जो खलफा गुजरे थे उनकी तरफ से जो कुछ भी जुल्म वगैरह हुआ था उन्होंने कोशिश की अपने दौरे खिलाफत में कि इन सब का ख़ात्मा करें वो सब बातें आपके सामने आई हैं एक चीज़ और उनके बारे में ये जिक्र की गई है उनके खिलाफत के ताल्लुक से ये बात जिक्र की गई है कि इनके दौर में आज के ज़माने में लोग एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आजाद अरबी में उसे हुर्रियत कहते हैं अल्रियत तो आज़ादी का एक लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है फ्रीडम आप आज की जबान में उसे कहते हैं और आज की दुनिया में इसको बड़ी अहमियत दी जाती है कि किसी भी हुकूमत के तहत जो लोग रहते हैं जनरल पब्लिक जिन्हें कहा जाता है उनको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए ख़ास तरीके से चंद बातें होती हैं उनको अपनी राय की आज़ादी अपने दीन और मज़हब की आज़ादी कभी भी कोई बात कह सकते हो बगैर रोक टोक के उसकी उनको आज़ादी मिलनी चाहिए फ़िक्र की आज़ादी मिलनी चाहिए और किसी तरह की उनके ऊपर इस तरह के मसाइल में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए तो ये बातें आज के दौर में बड़ी शदमत से उठाई जाती हैं बातें की जाती रहती हैं तो हमारे जो तारीख़ के किताबें लिखने वाले लोग हैं ख़ास तरीके से वो किताबें जो आज के इस दौर में लिखी गई हैं उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहा आलुक़ से तो उसमें ये बात इसी अंदाज से पेश की जाती है कि फिक बड़ी आज़ादी हो गई थी लोगों को जो इंसानी हक़ है आज़ादी वो पूरे तरीक़े से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहा ने अपने दौरे खिलाफत में लोगों को ये आज़ादी दी थी लोगों को मजहबी आज़ादी भी थी मजहबी आज़ादी मेरे भाइयों ये इस्लाम ने इस माना करके लोगों को दी है कि किसी को इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं किया जाएगा अगर मजहबी आज़ादी से मुराद ये है तो ठीक है लेकिन अगर इससे मुराद कुछ और हो कि आपको पूरा हक है इंसान को पूरा हक है कि वो चाहे तो मजहब को इख्तियार करे चाहे तो न इख्तियार करे या जो मुसलमान है उसको पूरी आज़ादी है वो उसका मन चाहे तो जो वाजिबात और फरज़ हैं उसको अदा करे और जीना चाहे तो ना करे इस तरह की आज़ादी या हमारे पड़ोसी मुल्क में किसी ज़माने में औरतों ने यौम ख़वा के मौके पर जो योम खवीन दुनिया में बनाया जाता है इस तरह के बैनर उठा करके वो सड़कों पे आई थी कि मेरा जिसम मेरी मर्जी अगर आज़ादी से मुराद ये आज़ादी है तो मेरे भाइयों इस्लाम ने कभी भी ऐसी आज़ादी किसी को नहीं दी है इस्लाम ही नहीं कोई भी दुनिया का मजहब किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं देता है और ये आज़ादी जाहिर सी बात है कि इंसानों के लिए बड़ी नुकसान पहुंचाने वाली आज़ादी है और कोई भी निज़ाम इस आज़ादी के साथ नहीं चल सकता तो ये चीज याद रखिएगा मैं जो बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि बड़ी आजादी दी गई तो उस आज़ादी से मुराद ये आज़ादी नहीं है जो आज के जमाने में लोग नारे लगाते हैं उसका मुतालबा करते हैं जिस आजादी के बारे में लोग चर्चा करते हैं वो आज़ादी नहीं क्योंकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है वो आजादी जो इस्लामी शरीयत के हदूद के मुताबिक हो तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की आज़ादी तो पहले भी थी ये खिलाफत राशिदा में भी रही अल्लाह के रसूल ज़माने में भी रही बनो मैया के जो पहले खलफा गुजरे हैं उनके दौर में भी ये चीज़ें थीं ऐसा कभी भी तारीख ऐसी कुछ नहीं है कि किसी को मजबूर किया गया हो इस्लाम में दाखिल होने के लिए और जहाँ तक और आज़ादी की बात है किसी को राय की आज़ादी कोई भी राय वो पेश कर सकता है अगर राय रखता है तो पेश कर सकता है तो मेरे भाइयों ये राय की आज़ादी भी इसको शरीयत के जो हदूद हैं जो लिमिटेशन है शरीयत की तरफ से उसके साथ ही जोड़ करके इसको देखा जाता है ये आज़ादी हरगिज नहीं हासिल होती है किसी भी मुसलमान को हम इसके बारे में गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं खुद पहले मुसलमानों की बात कर रहे हैं किसी मुसलमान को ये आज़ादी हरगिज़ नहीं है कि वो चाहे तो कुरान के किसी मसले के ताल्लुक से शरीयत के किसी मसले के ताल्लुक से वो इख्तलाफ करते हुए मैं नहीं मानता तो फिर तो वो मुसलमान नहीं है इस्लाम का मतलब ये होता है कि आपको तो हर चीज ये कबूल है अब इसमें फिर वो आज़ादी का मसला नहीं आता है कि जो है आप आज़ाद हैं चाहे तो कुछ भी कह लें आप आजाद हैं किसी के बारे में कुछ कहना हो तो कुछ भी कह लें तो ये नहीं होता है ना ऐसा कोई भी हम अगर कोई जुमला कहते हैं किसी के ताल्लुक से जिससे उसको तकलीफ पहुंचती है तो इस्लाम ने तो ऐसी कोई आजादी नहीं दी और ना ये आजादी मैं समझता हूं कि इससे मुराद ही है और जो आजादी है और इस्लाम में भी वो आजादियां दी गई हैं आप किसी को गलत देखते हैं तो आप उसे टोक सकते हैं जिसे और नही कहा जाता है कि लोगों को भलाई का हुक्म दें बुराई से रोकें तो जी यह हक है आपको। लेकिन उसके पहले ये तहकी करना जरूरी होता है कि हम जिस चीज से किसी को रोक रहे हैं क्या वाकई इस्लाम में वो मुनकर है या नहीं जिस चीज का हम हुक्म दे रहे हैं क्या वाकई ये मारूफ है या नहीं है मारूफ का हुक्म देना भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये जो है फर्ज है फरीजा है इसके जरिए से समाज बनते हैं सोसाइटियां बनती हैं अगर छोड़ दिया जाए तो बिगड़ जाती हैं सोसाइटियां ये अपनी जगह पर है और ये आज़ादी उससे पहले भी थी इनके दौर में भी थी ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं बकिया ये आज़ादी या आदमी कुछ भी कह ले चाहे उसको किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे तो नहीं ये आज़ादी जो आज के इस दौर में जिसके नारे लगाए जाते हैं ये हकीक़त में आज़ादी नहीं है बल्कि ये दिल आज़ारी है अगर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करें आपको समझ में आ गया और दिल आज़ारी का मतलब होता है किसी को ठेस पहुंचाना किसी को तकलीफ़ पहुंचाना इस्लाम में तो इससे भी रोका गया ना कि जो मुशरिक लोग हैं जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो जिसकी पूजा करते हैं इबादत करते हैं उसको बुरा भला मत कहो तो। वो ना तुम्हारे अल्लाह को भी वो बुरा भला कहे तो इससे भी मना किया किसी को भी गाली गुलच करें किसी के ऊपर बोहतान लगाए किसी के बारे में कुछ भी कहते फिर हम कहें मुझे आजादी है तो ये आजादी आजादी नहीं है ये दिल आजारी है उसके बाद जो है ये चंद बातें थी आज़ादी के ताल्लुक से मैं असल में उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सही नहीं समझते हम समझते हैं कि जो इस्लाम में आज़ादी है जिस हद तक है वो पहले से भी रही है इन्हीं के दौर में शुरू हुई ऐसी कोई बात नहीं है अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ताल्लुक से एक बात तो बिल्कुल मुसलम है इसमें कोई दो राय नहीं है हर कोई इस बात को मानता है कि ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे ये अपनी जगह पर एक मुसलम हकीकत है कि ये बड़े नेक थे बड़े अच्छे इंसान थे बड़े मुतकी थे बड़े परहेजगार थे और बड़ा इल्म था इनके पास और इल्म के साथ तकवा भी इनके पास था तो ये याद रखिए मैं अब उमर बिन अब्दुल अजीज के कुछ जती खूबियाँ जो है ना वो आज के इस दर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ तो ये अपनी जगह पर सही है ठीक है तारीखी वाकयात में बहुत ज्यादा मुबालगे से काम लिया गया है और उनके असलाही कारनामों को भी बहुत ज्यादा मुबालगे के साथ पेश किया गया है लेकिन एक चीज अपनी जगह पर बहरहाल साबित है मुसलम है कि वो एक ऐसे खलीफा थे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था एक मुतकी थे परहेजगार थे तो आज वही चंद चंदते आपके सामने पेश करेंगे उमर बिन अब्दुल अजीज रहा उनकी जो ज़ाती सिफा हैं, उसमें से अहम सिफत ये है कि ये अल्लाह से डरने वाले थे इनके सामने अल्लाह का खौफ और क़्यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर हो और हमें अपने हर हर अमल का हिसाब किताब देना है ये ईमान जो आखिरत का ईमान कहलाता है अल्लाह ताला की तशियत दिल में उसका खौफ दिल में और क़यामत के दिन हिसाब व किताब का एहसास शोर और उस दिन की सख्ती से जो डर है ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के यहाँ ये चीज़ बड़ी बहुत ज्यादा पाई जाती थी उनका एक इम्तियाजी वह लीजिए ये।, ये चीज़ उनको दूसरे खलफा से मुमताज़ करती है वैसे ये चीज़ें जो है पहले खिलाफत राशिदा में हर एक के पास थी अबक रजील् तहों के पास भी ये सिफत थी उमर रजियो के पास भी थी उस्मान रजी अल्लाह तनों के पास भी थी और अली रजियल्ल तभी थी बल्कि हम तो ये समझते हैं के जो रबी सहाबी थे और खलीफा थे यकीनन हम उनके बारे में भी यकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला के यहाँ हो होकर के जवाबदेही का एहसास कि वहाँ हमें अपने हर अमल का जवाब देना है उनके यहाँ भी ये यह चीज़ रही है उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमत के यहाँ भी ये चीज़ थी और ये खौफ जो होता है ना याद रखिए ये जिसे हम खशियत कहते हैं ये इल्म से खौफ आता है ये बड़ी अहम चीज आप कुरान में पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं बयानात में इन्नमा मिन कि उलमा कि अल्लाह की खशियत के पास होती है क्या मतलब होता है इसका कि जितना अल्लाह ताला के बारे में इल्म होगा और अल्लाह इंसानों की हर हर हरकत से वाकिफ है जितना ये तस्वूर इंसान के दिलो दिमाग में बैठेगा उतना ही अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ उसके दिल में जागेगा तो ये एक हकीकत है और उमर बिन अब्दुल अजीज रहा एक सिर्फ खलीफा ही नहीं थे उनको दीन का बड़ा अच्छा इल्म था मैं बार बार ये बात आपके सामने जिक्र किया हूँ ये चीज़ें मुसलम है इसमें कोई नहीं है कि उनका जो बचपन गुजरा था उनकी जो जवानी गुजरी थी जिन्होंने उस जमाने के बड़े बड़े जो अहल लोग थे जो बाद की है उनसे इन्होंने इल्म हासिल किया था आलिम का मतलब वो नहीं होता है कि वो किसी मदरसे की डिग्री उसके पास हो तो वो आलिम है मैं बार बार ये बात दर्श में कहता रहता हूँ याद रखिएगा हमेशा ये बात कहता रहता हूँ और आज भी आपसे कह रहा हूँ आलिम जो कहा गया ना कुरान के अंदर इस ओलमा उन, उन से मुराद ये मदरसे के डिग्री याफ्ता डिग्री होल्डर जिसे आज के ज़माने में कहना हो तो ये जो है डिग्री होल्डर ओलमा मुराद नहीं है उससे क्योंकि पास तो डिग्रियाँ होती हैं इल्म तो खैर दूर की बात है कितना आया नहीं आया उतना इल्म नहीं होता है इनके पास इनके पास डिग्रियां होती हैं तो इल्म जिसके पास भी है दिन का इल्म जिसके पास भी आ जाता है ना अल्लाह ताला के बारे में जो जितना जानता है उतना ही उसके दिल में खशियत पैदा होती है तो ये हकीकत है मैंने ये बात इसलिए कह दिया आपसे कि कभी कभी लोग ये सवाल करते हैं उनके जहनों में बात आती रहती है कि जब कुरान में ये है कि अल्लाह ताली की खशियत उलमा के पास ही होती है उलमा अल्लाह तला से डरते हैं तो फिर या उलमा ही अल्लाह से डरते हैं ये उसायद का माना मैं बयान कर रहा हूँ तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जिनको लोग उलमा समझते हैं असल तो मसला आता है कि वो तो बिल्कुल दुनियादारी में ऐसे लगे हुए हैं कि हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं कुछ नहीं चोरी चमारी डकैती और जो है ख्यात हर तरह की जो है चंदों के हेरा फेरी न जाने क्या क्या जो है मुख्तलिफ़िमेदारियाँ जो उठाते हैं वहाँ जो कौम का पैसा आता है उसको गलत तरीक़े से खर्च करना ये सारी बुराइयाँ उनके अंदर पाई जाती हैं तो लोग सवाल करते रहते हैं कि फिर कैसे जो है कुरान में है किमा ही अल्लाह ताली की खशियत रखते हैं तो ये याद रखिएगा किमा वहाँ कहा गया है डिग्री होल्डर नहीं कहा गया या आलिम डिग्री होल्डर आलिम होता है ऐसा कुछ नहीं था जो वाकई आलिम है उसके बारे में वो बात कही गई है और वो जो वाकई आलिम होते हैं उनके यहाँ वो खशियत होती है उनके यहाँ ये यह चीज़ जो कुरान में बयान की गई है वो चीज़ होती है इसे याद रखिए तो कभी कभी कुरान की आयतें या हदीसें पढ़ करके हम गलत तरीक़े से उसको कहीं और पे चश्मा करते हैं फ़िक्स करना चाहते हैं तो ये परेशानियाँ आती हैं तो याद रखिए कुरान में कहा गया है डिग्रियों का ज़िक्र नहीं है आज डिग्री होल्डर को आलिम कहा जाता है किसी मदरसे में पढ़ ले तो उसे आलिम कहा जाता है इल्म कितना उसके पास आया वो तो किसी आलिम को ही पता होता है कि इल्म कितना इनके पास है तो अक्सरियत जो इस वक्त डिग्री होल्डर की है उन, वो आलिम के रुतबे में नहीं आते उनको आलिम नहीं कहा जा सकता ये याद रख लीजिए तो मैं ये कह रहा था और इसमें बात आ गई कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमत के ताल से तो ये तो एक आलिम थे ना डिग्री नहीं थी लेकिन आलिम क्योंकि इन्होंने इल्म हासिल जो भी इल्म हासिल करते ना वो आलिम आप लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल फर्जो करम है कि आपने अपने रगबत से अपनी ख्वाहिश से जो दीन का इल्म हासिल किया तो ये क्या है इल्म है ये दीन का ये इल्म है आपने अपनी रगबत से हासिल किया ज़बरदस्ती किसी ने मदरसे में बैठा दिया तो दस साल आठ साल ऐसे ही गुजार दिए खेल कूद में और बाद में आखिर में डिग्री मिल गई और जो है लोगों के सामने आ गए अक्सर क्या है आप देखेंगे तो इनमें से बहुत से ऐसे आलिम आपको मिल जाएंगे जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन आपके जितना इल्म भी उनके पास नहीं तो ये भी एक हकिल तो ये एक बात जहन में रहे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह रहा के ताल्लुक से मैं ये बात जिक्र कर रहा था कि एक आलिम थे तो आलिम होने की वजह से इनके पास अल्लाह का खौफ भी अपने रब का खौफ भी खशियत भी इनके पास थी और आखिरत में अल्लाह ताला को जवाब देना है उसका उन्हें बड़ा एहसास था इस सिलसिले में एक मरतबा उन्होंने यजीद बिन महल्लब उनके दौर के जो है एक बड़े मशहूर शख्स हैं उनके पास खत में लिखा ये मसला लिखा ये बात लिखी उन्होंने लिखा कि अगर मेरा मकसद बीवियाँ इकट्ठा करना बीविया इकट्ठा करना क्या मतलब है इसका कि शादी पर शादी करते जाओ या माल इकट्ठा करना मुझे इसका मुझे शौक होता तो मैं खलीफा हूँ मैं जितना चाहूँ निकाह कर लूँ और जितना चाहूँ माल इकट्ठा कर लूँ तो कहा अगर मुझे यही ख्वाहिश होती तो मैं तो इतना कुछ इकट्ठा कर था लेता था कि उतना किसी के पास भी नहीं होता दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी और दुनिया में सबसे ज्यादा बीवियां रखने वाला मैं बन जाता लेकिन उसने आगे लिखा कि मैं मेरे अंदर जो चीज़ है वह ये है कि कल क़यामत के दिन मैं सख्त अजाब से और सख्त हिसाब से और अल्लाह ताला के यहाँ सवाल जो किया जाएगा उससे मैं बहुत डरता हूँ मेरे अंदर ये खौफ है ये डर है कि मुझसे एक एक चीज के बारे में कल सवाल किया जाएगा और वाकई ये चीज़ रहनी चाहिए यही असल एहसास इंसान को रहना चाहिए ये एहसास इंसान को नेक बनाता है यही एहसास इंसान को मुतकी बनाता है तो इनके मुतकी होने में नेक होने में किसी को दो राय नहीं मैं बार बार ये बात आपके सामने पेश किया इसी तरह से इनकी बीवी कहती है फातिमा बिनती अब्दुल मलिक उनकी बीवी का नाम जो है फातिमा बिनती अब्दुल मलिक वो कहती हैं अपने शौहर के बारे उनके जो है अंदर जो अल्लाह का तकवा था खशियत थी उसका जिक्र करते हुए वो कहती है कि उमर बिन अब्दुल अजीज दूसरों से ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ते थे रोजे नहीं रखते थे यानी जितना सब लोग नमाज पढ़ते हैं रोजे रखते हैं उतना वो भी करते थे और होता यही है मेरे भाई असल इंसान जो एक दूसरे से के मुकाबले में बेहतर माना जाता है अच्छा माना जाता है मुतकी माना जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई दिन भर नमाज़ पढ़ता होगा या हमेशा रोज़ा रखता होगा तो ज़्यादा नेक हो गया ऐसा नहीं होता है जैसे सब लोग नमाज पढ़ते थे ये भी नमाज पढ़ते थे सब लोग रोज़ा रखते हैं ये भी रखते थे लेकिन कहती हैं उसके बाद कि लेकिन जितना मैंने अल्लाह का डर उनके दिल में देखा मैंने जितना उनको अल्लाह से डरते हुए पाया है उतना किसी और को अल्लाह के अजाब से डरते हुए नहीं पाया ये अल्लाह का तकवा है और ये खशियत तो ये उनकी बड़ी अहम खूबी थी और इसी वजह से देखिए याद रखिए खलीफा जिसके हाथ में खिलाफत होती है ना तो बहुत ताकत होती है उसके हाथ में पूरी दौलत जो है माल जो बैतुल माल होता है वो उसके इख्तियार में होता है और खलीफा है कोई बहुत छोटा मोटा बादशाह नहीं खलीफा यानी बहुत बड़ी खिलाफत थी ना ये उस जमाने की खिलाफत जो थी बहुत बड़ी खिलाफत थी कहाँ तक का इलाका था आप जानते हैं ना सीरिया जो अभी है शाम का जो इलाका यह फिलस्तीन वगैरह सब इसी में आते हैं ये इनका इलाका था जहाँ पर ये दारखिला यानी कैपिटल सिटी था लेकिन आप देखें तो हिंदुस्तान की सरहदों तक उनकी हुकूमत थी चीन की सरहदों तक उनकी हुकूमत थी उधर रसिया की सरहदों तक उनकी हुकूमत थी और स्पेन जो है जो अभी कहलाता है अंदरुस जिसे कहते हैं यूरोप में फ्रांस की सरहदों तक उनकी हुकूमत थी अकेले खलीफा थे इन सारे इलाकों पर अफ्रीकन कंट्रीज में भी उनकी खलीफा इतने बड़े खलीफा थे ना इनके पहले के लोग भी ये भी जो है इतने बड़े खलीफा इतना सब कुछ उनके हाथ में था उनके इख्तियार में था अगर अल्लाह का डर ना होता तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अयाशियों में रहते थे लेकिन वो अल्लाह का डर ही था मेरे भाई जिस अल्लाह के डर ने अल्लाह की खशियत ने उनको नेक मुत और परहेजगार बनाए रखा और दुनिया की तरफ वो ज्यादा मुतवज्जे नहीं हुए उनके हरम में औरतों की कसरत नहीं रही और न ही उम्मत के माल को उन्होंने कभी अपना माल समझा ऐसा कभी नहीं हुआ तो ये एक बड़ी चीज़ होती है ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ देखिए हमारे पास कुछ नहीं हम जो है हमारे पास कुछ ना हम बादशाह हैं ना खलीफा है ना ही किसी जो है आ, ऑर्गेनाइजेशन के भी हम कोई जिम्मेदार नहीं किसी मदरसे के भी जिम्मेदार नहीं कुछ नहीं है तो हम जो है किसी का कुछ पैसा नहीं खाते कुछ नहीं करते कुछ गलत नहीं किए तो ये बड़ी बात नहीं बड़ी बात कब होती है ना कि जब आदमी को जिम्मेदारी हो उसके हाथ में उतनी दौलत और उतनी ताकत और फिर भी अल्लाह का तकवा होने की वजह से उसको उसने अपनी ज़ात के लिए खर्च न किया हो गलत तरीके से उसे इस्तेमाल न किया हो तो ये बड़ी खूबी हो जाती है मेरे भाई ये बड़ी बात मानी जाती है तो यकीनन उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का ये तको और उनका अल्लाह का ये खौफ अपने आप में एक मिसाल है इसका मतलब ये मत समझिए इससे पहले लोगों में ऐसी चीज़ नहीं थी या सिर्फ इनके अंदर थी और किसी के अंदर नहीं नहीं, नहीं। मैंने आपसे कहा कि खलफ़ा राशिदीन सभी के सभी इस सिफ़त से थे अल्लाह के बारे में बातें आती हैं उमर अल्लाह रजील्लो के बारे में बातें आती हैं सब उनके अंदर ये सब चीजें मौजूद थी और इनके अंदर भी थी अच्छी बात है क्यों इनकी इनका खास तरीके से जिक्र किया जाता है कि अब चूंकि वो बातें इनसे पहले वाले खलीफा में उस हद तक वो चीज़ नहीं थी जो खिलाफत राशिदा में थी तो फिर से खिलाफत राशिदा जैसी जो है वो यानी ख़शियत जो इनके अंदर देखी गई तो इनका ख़ास तरीके से जिक्र किया जाता है मखूल कहते हैं एक मशहूर ताबे है मखूल उनका नाम है वो कहते हैं कि अगर मैं इस बात की कसम खा लो तो मैं सच्चा हूँ कि उमर बिन अब्दुल अजीज से ज़्यादा रब से डरने वाला और दुनिया का जाहिद मैंने किसी और को नहीं देखा तो ये बात अपनी जगह पर है उस ज़माने की बात कर रहे हैं जिस ज़माने में उमर बिन अब्दुल अजीज रहा बात सही भी है इनसे भी बड़े बड़े उस ज़माने में जाहिद और अल्लाह से डरने वाले लोग बड़े बड़े लोग थे उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं थे और इल्म रखने वाले और, और अल्लाह की खशियत रखने वाले लोग थे लेकिन उनमें और इनमें फ़र्क क्या है इनको क्यों कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ये अल्लाह से डरने वाले मैंने वो साहब से क्योंकि इनके हाथ में हुकूमत थी खिलाफत थी दौलत थी और बैतुलमाल के मालिक थे खलीफा थे वक्त के खलीफा जो चाहे कर सकते थे लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह का खौफ था जिसकी वजह से इन्होंने कोई भी ऐसी गलती नहीं कि यहाँ तक कि कौम का माल अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया आप जो है इनके बारे में जो है चंद बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ इस सिलसिले की ये बातें जो है बहुत सारे सारेमा के बारे में भी लिखी गई लोगों में ये चीज़ें थी अभी करीब के दौर में हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के बहुत सारे सारेमा के ताल्लुक़ से भी ये बातें आई हैं कि वो कोई चीज जो मदरसे की होती थी उसको अपने जतीी इस्तेमाल में नहीं लाते थे और बहुत डरते थे यानी बहुत मामूली मामूली चीज है जो है तो मैं आपके सामने इनके जहद की उमर बिन अब्दुल अजीज के जहद की चंद बातें पेश करता हूँ इस सिलसिले में जो लोगों ने लिखी है बातें तो उसमें से एक बात ये लिखी है कि एक मरतबा इन्होंने इनको शहद बहुत पसंद था तो शहद इस्तेमाल करते थे शहद तो वैसे भी इस्तेमाल करना चाहिए कुरान में है कि अल्लाह ताला ने उसमें शिफा रखी है तो ये भी वो काम किया करते थे तो एक मरतब ऐसा हुआ कि उन्होंने यानी वो शहद जो है उनके पास नहीं था और उनकी बीवी को पता है कि इनको शहद बहुत पसंद है तो इन्होंने क्या किया बीवी ने दो दिनार भेजकर भेज कर उनके जो एक गुलाम के हाथ में दे करके गुलाम से कहा कि जाओ शहद खरीद करके लेके आओ अब वो शहद खरीदने जो है गया तो वो जो बैतुल माल का खच्चर था उस पर सवारी किया करते थे घोड़ा कह लीजिए मतलब जो है आज के जमाने में घोड़े और गधे के बीच की एक नस्ल होती है उसको खच्चर कहा जाता है तो वो भी सवारी के लिए इस्तेमाल करते तो जो बैतुलमाल के ये होते थे जानवर जो डाक उस जमाने में डाक को यानी पोस्ट जो लोगों के खतूत वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का जो इंतज़ाम था तो ये इन्हीं सवारियों पर ही पहुँचाया जाता था तो जो डाक के लिए जो खच्चर था उसी खच्चर पे वो हो सवार होकर के चले गए थे मार्केट मैं आज की जबान के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ उस जमाने में इस तरह की मार्केटें नहीं हुआ करती थी फल जहाँ शहद बेचते थे वहाँ गए और शहद खरीद करके लाए इस्तेमाल किया था बैतुल माल का खच्चर जब वो लेकर के आए बीवी को दिया बीवी ने जो है वो शहद खाने में पेश किया जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहा को तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहा ने पूछा कहाँ से आया ये। तो बीवी ने कहा कि ये हमने जो है दो दिनार दे करके बाजार से मंगवाया है और गुलाम को भेजा था गुलाम जो है खच्चर पर तो गया था और जा करके लेके आया तो खच्चर किसका था खच्चर ये बैतुलमा का यानी हुकूमत का खली खिलाफत का था खलीफा का नहीं हो खिलाफत का तो कहा कि ये जो है खच्चर इस्तेमाल कर लिया मेरे काम के लिए घर के काम के लिए जो हुकूमत का खच्चर था ये उसको इस्तेमाल कर लिया उन्होंने फौरन जो है वो शहर कहा कि ले जाओ इसको बेचो शहद और शहद बेच करके जो दो दिनार लगाया था उसमें वो दो दिनार तो रख लो और बकिया पूरा के पूरा बैतुल माल में जमा कर क्योंकि तुमने माल का माल का खच्चर इसके लिए इस्तेमाल किया था तो इसलिए अब इस पर माल का हक हो गया है तो मेरे भाई को ये बातें जो है उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बातें जिक्र की जाती है कोई ऐसी बात नहीं है कि जो है ऐसी किसी और के अंदर ये सिफत नहीं थी मेरे भाइयों ये इस तरह की बातें तो बहुत हैं हमारे बहुत उलमा के बारे में जो आज के दौर में नहीं है वो पहले गुजरे हुए हैं तकरीबन पचास साठ साल पहले के जो है थे जिनकी हम तारीख पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि वो ऐसा भी उनके बारे में भी आता है कि वो अपने मदरसे की कोई चीज़ यहाँ तक कि कलम भी मदरसे का कलम भी होता है यानी वो मदरसे के पैसे से खरीदा गया कलम वो ऑफिसी ऑफिशियल या कह लीजिए कि जो है मदरसे के कामों के लिए इस्तेमाल होता है इस्तेमाल करते थे अगर उनको अपना कोई ज़ाती काम हो जाता था तो क्या करते थे फिर अपना ज़ाती काम वो कलम रख करके अपना जाती कलम उसके लिए यूज़ करते थे उससे उसको फिर इस्तेमाल नहीं करते तो इस तरह की चीज़ें रही हैं लोगों में ऐसा नहीं है कि कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी नहीं ये सब चीज़ें जो है रही हैं आज के करीबी दौर की बात मैं ये कर रहा हूँ लेकिन वो बरअल खी थे हाँ, में से उनका शुमार होता था मदरसों के ज़िम्मेदार थे और इस तरह से वो लोग मदरसों के पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करते आज तो जो है हर चीज़ मदरसे की वो अपनी समझते हैं मदरसे के जो भी जिम्मेदार है ना मदरसे की हर चीज़ क्या समझते हैं कि मेरी अपनी चीज़ है और उसी लिहाज से उसको इस्तेमाल करते हैं बड़ा फ़र्क है पहले के लोगों और आज के लोगों में तो बहरहाल एक बात थी उमर बिन अजीज रहमत आल के जहद की उनके तकवे की दुनिया से बेरगबती की जब इनके हाथ में पूरी खिलाफत आ गई मेरे भाइयों तो उस वक्त इन्होंने अल्लाह का तकवा इतना इनके अंदर था कि उसकी कोई चीज़ कोई भी खिलाफत की कोई भी चीज़ अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल करना उसको इन्होंने जायज नहीं समझा इनका जो इनकी जो शादियाँ थी जो पहले थी थी ये नहीं कि खलीफा बनने के बाद शादियों की लाइन लग गई शादियों की लाइन लगने का मतलब समझते हैं आप मैं थोड़ा सा कह देता हूँ आपसे कि क्या मतलब होता है इसका कि शादियों की लाइन लगने का मतलब ये होता है कि चार से ज्यादा तो शादी कर नहीं सकते तो क्या करते हैं कि जब चार मुकम्मल हो जाए तो जो पहले की रहती है उसको तलाक दे करके फिर एक नई शादी करते हैं फिर जो पहले की रहती है उसको तलाक दिया फिर नई शादी किया इस तरह से शादियां ही हमेशा चलती रहती हैं हमेशा शादी होती रहती है तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह रहम ने ऐसा कुछ नहीं किया उनका लिबास खलीफा बनने के बाद उनका जो लिबास था बड़ा ही सादा लिबास पहनते थे वरना ये चीज़ें तो थी कि उस जमाने के जो खलीफा लोग थे वो बड़ा उमदा लिबास पहना करते थे और आज के जो हमारे बादशाह लोग हैं उनके बारे में तो ये है कि उनके बारे में नहीं बल्कि उनके घर वालों के बारे में भी बता रहा हूँ आपको कि एक मरतब जो कपड़ा पहन लेते हैं दोबारा नहीं पहनते और वो भी कोई मामूली जो है कीमत के की कपड़े नहीं होते बड़े कीमती होते हैं लेकिन एक मरतब जो पहन लेते हैं तो फिर दोबारा नहीं पहनते हैं इनके पास तो वही सादा सा कपड़ा होता था वही पहनते थे और खाना भी बहुत सादा खाना खाते थे जो पहले जिंदगी थी उससे भी ज्यादा इन अपने खलीफा बनने के बाद उनका जहर और दुनिया से बेरग्बती और बढ़ गई थी तो पहले के मुकाबले में और ज्यादा जो है इनका जो है खाना पीना और इनका और इनका जो है आ, कपड़ा लगता जो भी है ज़िंदगी का रहन सहन जो भी था और ज़्यादा सादा हो गया था बजाय इसके कि इसमें वो इजाफा करते हर मजलिस के लिए अलग अलग कपड़े पहनते और जो है महंगे से महंगे शूज़ पहनते जैसा आम तरीके से आज के ज़माने में आप सुनते रहते हैं देखते रहते हैं कि किस तरह से लोग जो ये कहते हैं कि मैं बड़ी गरीब फैमिली से आया लेकिन आने के बाद से तो इस तरह से दौलत अपने ऊपर लुटाई है कि आप समझ सकते हैं उस चीज़ को आप इशारा भी जा समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो वैसा नहीं था इनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि पहले जो इन्होंने गुजारी थी जिंदगी जब ये गवर्नर थी या उससे पहले उससे कहीं ज़्यादा सादा जिंदगी इन्होंने उस वक्त गुजारी है जब ये खलीफा बनी इनकी इस जहद के ताल्लुक से एक बात और जिक्र की गई है और मैं इसको इसलिए पेश कर रहा हूँ कि ये हम इसको सही नहीं मानते तो उसको रद्द करने के लिए मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा तो हूँ और जिक्र की गई है कि इनकी बीवी फातिमा बिनते अब्दुल मलिक ये बयान करती है ने खलीफा बनने के बाद कभी गुसले जनाबत नहीं किया तीन मरतबा के यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई यानी पूरी खिलाफत की मुद्दत में सिर्फ तीन मरतबा आपने गुसले जनाबत किया ये बात उनके बारे में जिक्र की है किसने उनकी बीवी लोगों ने किताबों में लिखा है ये यकीनन गलत है और मैं ये बताने के लिए इसको पेश किया हूँ कि ये सब ये मुबालगे जो पहले भी मैं कह रहा हूँ पहले से भी ये बात कह रहा हूँ पहले दरूस में भी कही है आज भी फिर कहता हूँ कि जब इसमें कोई शुभ आने के एक नेक आदमी थे बड़े जाहिद थे लेकिन जब इन चीज़ों को बयान किया जाता है ना तो बड़े मुबालगे से काम यानी ऐसी चीज़ें भी जिक्र कर दी जाती हैं जो हो ही नहीं सकती और लोग शायद इस बात को नहीं समझते हैं वो बयान करने वाले कि ये शरीयत में ये जहरद नहीं है शरीयत ऐसे किसी जहद का कायल नहीं है बीवी के साथ सिर्फ तीन मरतबा पूरी जो है खिलाफत में हम बिस्तरी किया इन्होंने ये क्या बात है बी का मतलब कि बीवी का हक अदा करना नहीं आता था इनको ये क्या ये जायज़ है क्या जायज़ नहीं है ये इसको आप जाहिद कहेंगे कि के इसको आप कहेंगे कि नहीं इन्होंने इस्लाम से मुंह मोड़ लिया इस्लामी तालीबात से मुंह मोड़ लिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई जाहिद हो सकता है क्या अल्लाह के रसूल वसल्लम की तो ग्यारह बीवियाँ थीं और आप उनके में से हर के हर एक के पास जाया करते थे हमेशा जो है जाया करते थे बल्कि कभी कभी हादिस, सही हदीस में है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सारी बीवियों के पास रात को गए आप जो है और सबके साथ हम बिस्तरी तो ये जो जो है बातें हो जाती हैं ये ये जहद नहीं है मेरे ये इस्लामी जहद नहीं है इस्लामी जोद में बीवी का हक है उसका वो हक अदा करना होता है तो हम कैसे उनकी तारीफ में इसे पेश कर सकते हैं ये तारीफ नहीं है, तो उनकी बुराई हो गई कि वो अपनी बीवियों से भी इन दिनों दूर रहे और बीवियों का हक नहीं अदा किया तो ये बातें लिखी गई हैं तो मैंने पेश किया आपके सामने तो ये मुबालगा ये मुबालगा यानी कुछ ज़्यादा ही बयान कर दिया गया ये चीज़ तो उनके यहाँ नहीं रही होगी क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है और वो एक नेक आदमी थे मैंने आपसे कहा कि अच्छे बड़े आलिम थे वो वो अच्छी तरह से जानते थे कि इस्लाम में जहद क्या है वो कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जो इस्लाम के खिलाफ हो इसी तरीके से उनकी तोज़ो और उनका तोज़ो जो था उनकी इनके सारी अरबी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तोज़ो तो किसी भी नेक आदमी की ये पहचान होती है कि उसके यहाँ तवाजो क्या चीज़ है इसको समझने के लिए आप दूसरा लफ्ज जो है अपने सामने रखिए जिसे हम कहते हैं तकबुर घमंड अहंकार अगर मैं आज की जबान में थोड़ा सा लफ्ज इस्तेमाल कर लूँ तो अहंकार अपना ईगो जो है तो इस तरह की चीजें बहुत से लोग ईगो में रहते हैं अहंकार में रहते हैं तो इसी के अपोजिट जो होता है उसको तवाजो कहा तो हमेशा ये तवाजो इंसानों के अंदर एक अच्छी सिफत गई। अल्लाह के नेक बंदों की पहचान इसे बताया गया है कि तवाजो ये अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है में जो इबादान का आया हुआ है तो इबादर की सिफत में ये भी कहा गया है कि वह अल्लाह के नेक बंदे जमीन में बड़ी नरमी से बड़ी तवाज़ो और आजजी से चलते हैं इमाम इब्ने कम ने इसकी तफसीर में ये बात जिक्र की है ये तो इससे मुराद जो है ना कि अल्लाह के नेक बंदे के अंदर तो होता है तो ये तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह रही की जिंदगी का भी एक हिस्सा है और बड़े ही मुतवाज अंदाज में रहते थे एक मरतब ऐसा हुआ कि एक शख्स ने आपको पुकारा और कहाफा अरबी में कहेंगे या फिल जमीन में अल्लाह के खलीफा तो इन्हें गुस्सा आ गया इन्होंने कहा कि नहीं 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 जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम उमर रखा तो भी मुझे उमर से पुकारो जो है या कुन्नियत से पुकारो या ये कहो अमीरुल मोमिनी अमीरुल मोमिनीन का लकब ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु के दौर से शुरू हुआ था तो कहा कि या तो वो कहो इसके अलावा कोई और तारीफ सुनना मुझे पसंद नहीं है में अल्लाह के खलीफा तो अलैहिस्सलाम थे, थे प्यारे वसल्लम थे हम जो है, हमको ये जो है, हम हम लोगों के लिए ये मुनासिब नहीं है कि हमको इस तरह का नकब दिया जाए बहरअल आम तरीके से होता ये है कि जो भी खलीफा या बादशाह वक्त के हाकिम जो होते हैं उनको अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद होता है लेकिन उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह रहा बड़े मुतवाज आदमी थे इनको अपनी तारीख अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं था और यह हर नेक आदमी की पहचान होती है कि वो अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करता है उनके तोज़ो की एक मिसाल लोगों ने यह भी पेश की है कि बहुत सारे काम घर के वो खुद ही कर लिया करते थे खलीफा थे लेकिन खुद ही कर लिया करते थे एक मरतबा कुछ उनके उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए तो उस दौरान जो चराग था घर में जल रहा था चराग ही जलाया करते थे लोग उस जमाने में लैंप जो तो वो बुझ गया उसकी बत्ती जो थी वो किसी कुछ हुआ तो बुझ गया तो उन्होंने खुद ही उठ करके उसकी बत्ती को सही किया और फिर से उसे जलाया ऐसा नहीं कि बैठे बैठे हुक्म लगाया किसी को वो आकर के वो करे हम तो कुछ नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं था अगर आपको यहाँ के एक नवाब की बात सुनाऊँ आपको हमारे इस मुल्क के नवाब की बात है तो जब आप तारीख पढ़ेंगे तो अंग्रेज़ों ने जो कब्जा किया जगह जगह और आहिस्ता आहिस्ता वो कब्जा करते गए और पूरे मुल्क पर कब्जा उन्होंने अपना जमा लिया था तो जानते हैं ये कब्जा कैसे हुआ था? वो इतनी दूर से लोग आकर के कैसे काबिज हो गए क्या किसी के पास भी लड़ने की मुकाबला करने की ताकत नहीं थी इतने बड़े मुल्क के अंदर क्या ये चीज नहीं थी उसके वजह यही हुई कि जो लोग उस वक्त थे ये नवाब जिनको नवाब कहा जाता है वो अपनी नवाबी ही सिर्फ गाड़ते रहे और उसी में मगन रहे उनको इससे कोई मतलब ही नहीं था एक उर्दू में बड़ा मशहूर मुहावरा है कि दिल्ली हनोज दूर अस्त ये असल फारसी है उर्दू में उसका तर्जमा किया गया और लोग आज के दौर में उसे इस्तेमाल करते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है तो असल वो फारसी में उस जमाने के एक नवाब ने ये बात कही थी कि जब उससे ये कहा गया कि अंग्रेज़ फलां इलाके तक पहुँच गए हैं अब जो है दिल्ली पर भी कब्जा कर लेंगे तो कहा उसने कि दिल्ली हनोज दूर अस्त कि दिल्ली अभी दूर है जो उस उर्दू में उसका माना हुआ यानी बजाय मुकाबले के लिए मुकाबले की तैयारी के लिए उनका ये अंदाज होता था कि बस मस्त हैं उसी रंग रेलियाँ मनाते हुए तो उसके बाद अंजाम किसी कौम का क्या होता है वो यही होता है भाई तो मैं नवाब की एक बात कहना चाह रहा था कि नवाब की बात या अपने हाथ से काम करने का मामला कि जब अंग्रेज जो है आ गए कब्जा भी कर लिया और ये नवाब साहब अपने जो है महल के अंदर है ये बैठे रह गए सिर्फ आवाज लगाते रहे भागे भी नहीं वहां से आवाज लगाते रहे कि कोई है जो मुझे मेरा जूता पहना चूंकि सब भाग गए थे कोई जूता पहनाने वाला नहीं रह गया था और ये खुद से जूता पहन करके जा नहीं सकते थे नवाब थे इसलिए बैठे रह गए और उनको वहीं पर गिरफ्तार किया गया जब जो है अंग्रेजों की फौज आई तो उनको गिरफ्तार कर लिया तो ये नवाबी होती थी कि अपने हाथ से जूता भी नहीं पहन सकते थे खुद ही लेकर के एक वाक़ा लोगों ने इस सिलसिले में जिक्र किया है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अलैह के तवादों के ताल्लुक से ये भी जिक्र किया है कि इनकी एक लौंडी थी गर्मी थी तो इन्होंने अपनी लौंडी से कहा कि ज़रा पंखा झलो ये कभी आपने देखा होगा और हो सकता है कि कभी आपने किया भी हो हम लोगों ने बचपन में ये काम किया है कि अपने माँ बाप के लिए करना पड़ता था ये काम छोटे थे बिल्कुल उस वक्त अभी उस वक्त की बात है उसके बाद ये मसला नहीं रहा तो पंखा झलना यह हाथ से जो है पंखा झलते थे तो बड़ी गर्मी है तो हमारे जो है वाले साहब हैं खाना खा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो उनको खड़े होकर के पंखा झलो तो झलते रहते थे तब तक के लिए कभी वो सो रहे हैं तो गर्मी है तो पंखा झलने के लिए कहते थे इस तरह से लौंडियाँ उस जमाने में या नौकर ये भी पंखा झला करते थे किसी और के लिए तो ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह इनको गर्मी लग रही थी तो इनकी लौंडी पंखा झल रही थी चूंकि लौंडी है तो उसका ये काम होता है खिदमत करना उसके बाद ये हुआ कि जब पंखे की ठंडी हवा लगी तो इनको नींद आ गई ये सो गए जब ये सो गए अब वो लड़की जो पंखा झल रही थी जाहिर सी बात है कि अब वो जा भी नहीं सकती ना क्योंकि अब उनको उसको तो हुक्म मिलना चाहिए जब तक हुक्म नहीं मिलेगा तो तू जा नहीं सकती पंखा झलते झलते वो भी सो गई जब इनकी नींद खोली तो देखा कि ये जो है लड़की यहीं सो गई है पंखा झलने वाली और शायद ये भी थक करके सो गई है तो आपने पंखा उसको झलना शुरू किया कि सो रही है कहीं गर्मी से इसकी नींद ना खुल जाए तो आपने पंखा झलना शुरू किया उसको उसकी नींद खुली तो बहुत परेशान हो गई कि ये जो है बादशाह ने खलीफा ने मेरे लिए ये किया आप मेरे लिए पंखा झल रहे थे तो उन्होंने कहा कुछ नहीं तुम जैसे मेरे लिए कर सकती हो ये तो क्या मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता इसमें कौन सा मसला है कौन सी बड़ी बात है बहरल उमर बिन अब्दुल रहमतुल्लाह रहा के यहाँ ये तोज़ो था इनके सारी थी अगरचि के ये वाक़ इस हद तक साबित ना हो और इनमें मुबालगे से काम लिया गया हो लेकिन अपनी जगह पर यह हकीक़त है कि वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और बड़े ही अच्छी गुफ्तु करने वाले बात करने वाले लेकिन का आलम ये था कि उनकी जो फसाहत और बलागत थी जबान की वो खलीफा बनने के बाद बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फसाहत और बलागत दिखाने में मेरे अंदर कहीं कोई बना आ जाए मेरे अंदर जो है अपने आप खुद पसंदी हम उर्दू में कहते हैं इसको यानी अपनी इस खूबी पर कहीं मैं इतराने न लग जाऊं तकबर मेरे अंदर ना आ जाए इसलिए बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक शख्स ने आकर के कहा इनसे कि अमीर उमिन अमीर आपसे पहले जो खलीफा गुजरे हैं खिलाफत उनके लिए जीनत थी यानी उनकी जो कुछ भी हैसियत बनी वो खिलाफत की वजह से लेकिन आप एक ऐसे खलीफा है कि आप खिलाफत के लिए जीनत है यानी आपकी शख्सियत ने इस खिलाफत को चार चांद लगा दी तारीफ है ये उसमें उनकी उसकी तारीफ़ की उसने और एक शेर अरबी जबान का पेश किया जिसका उर्दू में माना ये है कि औरत की खूबसूरती को बयान करते हुए कभी कभी ऐसे शायर लोग कहते रहते हैं कि औरत की अगर इसमें मोतियों का हार है तो शायर कहता है उस औरत की खूबसूरती बयान करते हुए कि ये मोती दूसरों के चेहरों को तो हसीन बना देती हैं खूबसूरत बना देती हैं ये आज की दबान में कहना हो तो कहूँगा कि ये हार ये दूसरों को तो खूबसूरत बनाते हैं ये जेवर तो दूसरों की खूबसूरती का सबब बनते हैं लेकिन अय मेरे महबूब तेरे चेहरे का हुस्न इतना ज़्यादा है कि ये जेवर तेरे चेहरे का हुसन पा करके और हसीन हो गए यानी इन जो है जेवरात को तुम्हारी वजह से हुस्न मिला है तुम्हारा हुसन इन जेवरात का महताज नहीं बल्कि ये जेवरात तुम्हारे हुसन की ताजगी पा करके और अच्छे लगने लगते हैं तो ये मेरे भाइयों जो है अरबी का शेर उसने पेश कर दिया उर्दू में मैंने माना पेश किया आपके सामने ये सुन करके उमर बिन अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आया खुश होते हैं आम तरीके से खलीफा लोग ऐसे मौके पर लेकिन उनको गुस्सा आया हाँ चलो जाओ पहले भी ये बात आई आपके सामने कि ये इसको सख्त नापसंद करते थे ऐसे लोगों को जो चापलूस किस्म के आ कर के तारीफें करके खलीफा की अपना मकसद निकालने की कोशिश करते थे ऐसे लोगों को उमर बिन रहमतुल्लाह अलैह पसंद नहीं करते थे अब तकवा और वरा, वरा जो है वरा वरा का मतलब ये होता है जहद की बात आपके सामने आई तवाजो की बात है एक होता है एक वरा वरा का मतलब ये होता है कि कोई शख्स बहुत उसके यहाँ तकवा है वरा है जब कहते हैं हम तो अरबी का ये लफ्ज कि आदमी को अगर किसी भी हराम चीज के तालु से हराम चीज से तो बचता ही है लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो हलाल है लेकिन उसके अंदर हराम होने का शुभा भी आ जाए तो उसको छोड़ देते हैं इसको वरा कहा जाता यानी शुभात जहां आ जाए उसको जो है उनसे बचा जाए उनसे भी दूर रहा जाए हो सकता है कि वो चीज भी नब से ही जायज़ भी हो लेकिन अगर उसमें कहीं भी हराम का थोड़ा भी शुबा है तो शुभात से बचना ये वरा होता है ये तो हदीसें आपने सुनी है पढ़ी होंगी कि अल्लाह के रसूल सल्लम कहते हैं कि हलाल भी वाज है हराम भी वाजह है लेकिन हलाल और हराम के बीच में कुछ मुश्तबा चीज है तो जो आदमी इन मुश्तबा चीजों को छोड़ देता है जिसमें किसी तरह का कोई डाउट है उसे छोड़ देता है तो अपने दीन की हिफाजत करता है अपनी इज्जत की हिफाजत करता है इसी को वरा कहा जाता है एक मरतब ऐसा हुआ इसकी एक मिसाल आपके सामने सिर्फ पेश करता हूँ सिफिन की जंग जो कि अली के दौरे खिलाफत में हुई अमीर मुआविया रजियाल्लान और अली तौ की फ़ौज के दरमियान एक जंग हुई जिसे हम सिफिन की जंग कहते हैं तो एक मरतबा पूछा गया उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमत से उनके दौरे खिलाफत कहा गया उनसे कि आप बताइए कि जंग सिफीन के बारे में आपका क्या ख्याल जंग सिफिन आज के दौर में भी ये बहुत चीजें आती रहती हैं तो आपसे ये बात पेश कर रहा हूँ अभी जो फिलिस्तीन में हो रहा है तो उसके बारे में तरह तरह की बातें आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो ये उनका ये जवाब नोट कर लीजिएगा और मैं उसी की रोशनी में आप बात कीजिएगा तो उन्होंने क्या कहा उस मौके पर वो बात जो है सुनिए जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में एक बात कही जवाब में ये कहा कि अल्लाह तबारक व अल्लाह तबारक व ने मुझे महफूज रखा मैं उस वक्त नहीं था और उस जंग में शरीक नहीं हुआ अल्लाह ताला ने मुझे उससे महफूज रखा है और मेरे हाथ किसी मुसलमान के खून से नहीं रंगे तो फिर मैं आज उनके बारे में अपनी जबान से कुछ कह करके अपनी जबान को उनके खून से क्यों रंगू उन्होंने कुछ भी बात करने से उसमें इज्तना किया परहेज़ किया नहीं कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में वरना चूंकि अब ये खुलफाए बनी उमैया मैया में से है तो जाहिर सी बात है कि अब इनका जो है इनको तो सिफिन में अमीर मयर उदी अल्लाह तार तारीफ़ करनी चाहिए बयान करना चाहिए कि नहीं वो बहुत जो है हक़ पर थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा कि जब हम नहीं थे उसमें और अल्लाह ताला ने हमको महफूज रखा जो वहाँ पर जो जंग थी मुसलमानों के दरमिया थी तो जो भी मारे गए जिसकी तरफ से भी मारे गए मुसलमान ही मारे गए अल्लाह तक को उससे बचाया हम उसमें शरीक नहीं रहे तो हम अपनी जबान से उसके बारे में खाम कुछ कह करके क्यों हम अपनी जबान को खराब करेंगे यानी हमको इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहिए खामोशी इख्तियार करनी चाहिए ये इंसान के वरा की मिसाल है यही होता है तो आज के दौर में भी जैसे फिलिस्तीन का मामला बहुत सा आता रहता है ना हमारे बहुत सारे भाई लोग बात करते रहते हैं वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के कि इसको कहेंगे इनको क्या कहेंगे तो कोई किसी को यहूदियों का एजेंटो कहता है तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है और कभी कोई ये भी कह देते हैं कि ये जो है उन्हीं की जो है बी टीम है ऐसा ये सारी बातें जो है होती रहती है जब हम नहीं जानते किसी के बारे में तो हमको अपनी जबान महफूज रखनी चाहिए हमें कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमें इल्म नहीं क्या अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि हम के दिन की जो है आपने फलां के बारे में ये क्यों नहीं कहा नहीं पूछेगा जिसका हमें इल्म नहीं है तो तकवा का और वरा का तकादा ये होता है कि हम उसके बारे में बात ना करें कुछ ना कहें जैसे जो है ये बात होती है, वरा के तलिक से कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा वला मा मल्ला का बेहद जिस चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे क्यों करते हो उसके बारे में क्यों बातें करते हो तो हमें खामोशी अख्तियार करनी चाहिए ये एक जो है बात थी तो आ आगे तो मैंने आपके सामने पेश कर दी ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमत ताल्लुक से चंद बातें थी ये उनकी जतीी सिफात थी जो मैंने पेश किया मैंने आपको शुरू में कहा फिर से आखिर में वो बात कह देता हूँ कि इसमें कोई शुबा नहीं है तो एक बहुत अच्छे इंसान थे और ये सारी चीज़ें जो उनके बारे में जिक्र की गई हैं ये सारी सिफात उनके अंदर पाई जाती थी लेकिन उसको साबित करने के लिए जो वाकयात पेश किए जाते हैं इन वाकयात में हो सकता है कि मुबालगे से काम किया गया हो और अक्सर ऐसे मौकों पर मुबालगा किया जाता है तो हम उन वाकयात को तो पूरी तरीके से साबित नहीं मानते लेकिन ये ज़रूर मानते हैं कि उनके अंदर ये अच्छी शिक्षा सब मौजूद थी आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं इसके बाद